हेलो एवरी वन दिस इज़ माई फोर्थ वीडियो फॉर द चैप्टर स्टाफिंग इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड इन माई प्रीवियस वीडियो यू लर्न अबाउट सेलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन सो बेसिकली ट्रेनिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन स्टाफिंग ट्रेनिंग जो है वो स्टाफिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है

ट्रेनिंग इज़ अ हाईली यूजफुल टूल दैट कैन ब्रिंग एन एम्प्लॉय इन टू अ पोजिशन वेयर दे कैन डू देयर जॉब करेक्टली एंड इफेक्टिवली मोर ओवर आई वॉन्ट टू एड दैट ट्रेनिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड जो कि एम्प्लॉयज़ को हेल्प करती हैं अपनी जॉब को इफेक्टिव वे में करने के लिए नाउ वी विल क्विकली सी वॉट आर द नीड्स फॉर ट्रेनिंग एंड वॉट आर द बेनिफिट्स विच ऑर्गेनाइजेशन गेट वेन दे गि ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज सो फर्स्ट ऑफ द बेनिफिट और नीड इज़ रिड्यूज लर्निंग टाइम सो हमारा पहला नीड है ट्रेनिंग का वो है रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम सो एज वी नॉर्मली नो डैट अ टेक्स लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब एज कम्पेयर टू अन ट्रेन एम्प्लॉय विच रिजल्ट इन लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड हायर प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन सो जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रेंड इम्प्लॉय को कोई भी चीज़ जॉब की लर्न करने में कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू अन ट्रेन एम्प्लॉयज़ और इसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में हायर प्रोडक्टिविटी होती है now another benefit of training is better performance so training programs increase the quality and capabilities of the employees and because of this the performance and efficiency level of the employees increases also now we have another need for training is attitude formation so

नाउ वी हैव अनदर नीड फॉर ट्रेनिंग दैट इज एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स सो ट्रेनिंग जो है वो हेल्प करता है ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं सो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स सच एज़ प्रॉब्लम ऑफ एबसेंटेज वेस्टेज ऑफ रिसोर्स डिससेटिस्फैक्शन ऑफ इम्प्लॉइज लैक ऑफ टीम वर्क एक्सेट्रा Are the problems faced by organization? So through training, these problems can be avoided and removed in the organization. Okay. Now another benefit of training is managing manpower need. So as I already told you, manpower means personals who are who all are working in an organization. So let's take an assumption. सी सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशलाइज टेक्निक होती हैं प्रोडक्शन की पर उनके पास हमेशा स्टाफ नहीं होता है एंड इस केस में ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है दे कैन सिंपली हायर अनट्रेनड पीपल एंड कैन ट्रेन दैम विद द रिक्वायर्ड स्किल सो डैट इट विल सॉल्व द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट नाउ वी हैव एनदर बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग डैट इज हेल्प्स टू अडाप्ट चेंजेस सो ट्रेनिंग हेल्प्स द इम्प्लॉयज टू अडाप्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस तो ट्रेनिंग अगर हम देते हैं तो वो इम्प्लॉयज को हेल्प करती है कि इन्वायरमेंटल जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसको वो अडॉप्ट कर सकें सो हेयर आई होप कि आप लोग का ट्रेनिंग को लेके कोई भी डाउट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा सो so सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में कहिए तो ट्रेनिंग इज रिफर्ड टू टीचिंग अ स्पेसिफिक स्किल और बिहेवियर टू द एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जैसे कि इफ एन अकाउंटेड इज सेंट टू लर्न द न्यू सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट मोर फास्ट एंड एक्यूरेट देन इट इज़ कॉल्ड एज ट्रेनिंग ओके okay. इसी के तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं इट विल मेक योर आंसर मोर इनोवेटिव ऑल्सो नाउ वी क्विकली सी वॉट आर द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग सो हेयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वी विल क्विकली सी वॉट आर दीज मेथड्स सो अवर फर्स्ट मेथड इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग

विच इज़ अप्लाइड एट द वर्क प्लेस जहाँ पर इम्प्लॉय एक्चुअली वर्क कर रहा होता है वहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाती है एंड इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स लर्निंग वाइल डूइंग जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे वैसे आप धीरे धीरे चीज़ों को लर्न भी कर रहे हैं एंड द एडवाटेज ऑफ दिस मैथड इज़ डैट इम्प्लॉयज कैन लर्न द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड कैन

और ये मेथड जो है बेसिकली टेक्निकल जॉब्स के लिए ज़्यादा सुइटेबल माना जाता है ओके वेल वी हैव सो मैनी मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग सच एज़ मैंटरिंग जॉब रोटेशन जॉब इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग अंडर स्टडी अप्रेंटिसिप कोचिंग इंटर्नशिप एंड देर आर मैनी मोर बट इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अबाउट द मेन मेथड्स विच आर यूज फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग

जो हमारे वर्कर्स को या ट्रेनर को सॉरी ट्रेनी को जॉब के बारे में गाइड करता है एंड द मास्टर परफॉर्म द जॉब एंड द लर्नर और द ट्रेनी ऑब्जर्व हिम परफॉर्मिंग एंड व्हेन द लर्नर लर्न्स ऑल द स्किल्स देन स्लोली ही स्टार्ट्स टेकिंग अप द जॉब स्टेप बाय स्टेप

चीज़ों के लिए और यहाँ पे मास्टर वर्कर जॉब को परफॉर्म करता है और ट्रेनी उनको ऑब्जर्व करके ही लर्न करता है चीज़ें और जब लर्नर या ट्रेनी इसको लर्न कर लेता है ये सारी स्किल्स तो वो स्लोली स्लोली जॉब परफॉर्म करता है स्टेप बाय स्टेप और मास्टर वर्कर ये ऑब्जर्व करता है कि जो ट्रेनी है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और जब ट्रेनी परफेक्ट हो जाता है अपनी जॉब में तो मास्टर वर्कर ट्रेनिंग को फुल चार्ज दे देता है कि वो अपनी जॉब पोजीशन को संभाल ले एंड बेसिकली दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज गिवेन टू प्लम्बर्स इलेक्ट्रीशियंस आयरन वर्कर्स एक्सेट्रा नाउ द मेथ ऑन द जॉब मेथड इज कोचिंग सो एज द नेम इंडिकेट्स दैट ट्रेनीज आर मेड टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ अ कोच यहाँ पे ट्रेनीज को वर्क करना होता है कोच के अंदर और यहाँ पे दोनों ही वर्क करते हैं कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए और दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है सो नॉर्मली यू कैन से डैट दिस काइंड ऑफ मेथड इज़ यूज फॉर डेली ट्रेनिंग यहाँ पे डेली ही ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को और इनको ट्रेनिंग कौन देता है इनके इमीडिएट सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो इनको ट्रेनिंग देते हैं एंड इन दिस मेथड सुपरवाइजर्स एक्सप्लेन द थिंग्स व्हाई टू बी डन एंड आल्सो ऑफर्स अ मॉडल फॉर द ट्रेनिंग टू कॉपी ऑल्सो एंड नाउ वी हैव एन मेथड मैथड इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग सो एज द नेम इंडिकेट्स इंटर्नशिप नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पीपल नो वॉट इज इंटर्नशिप लेट सी इंटर्नशिप इज एन एगरीमेंट वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट्स टू वेरियस कंपनीज सो डैट दे कैन प्रैक्टिस द थियोरेटिकल नॉलेज एक्वायर्ड बाई देम थ्रू प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सो इंटर्नशिप एक एग्रीमेंट है जहाँ पर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कारपोरेट सेक्टर के साथ एग्रीमेंट करते हैं और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को उन कंपनीज़ में भेजते हैं जहाँ पे वो थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिस करते हैं जो भी उन्होंने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में सीखी होती है एंड बाय ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी गेट पीपल विद फ्रेश आइडियाज़ एंड लेटेस्ट नॉलेज ऑल्सो एंड ऑन द अदर हैंड

ट्रेनिंग भी दी जा रही होती है बस यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो किसी कॉरपोरेट के थ्रू मिलती है स्टूडेंट्स को नाउ वी हैव अनदर ऑन द जॉब मेथड इज जॉब रोटेशन सो एज़ द नेम इंडिकेट्स जॉब रोटेशन यू कैन क्लियरली इमेजिन वॉट इज इट सो इन दिस ट्रेनिंग शिफ्टेड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू एनदर और फ्रॉम वन जॉब टू अनादर सो जॉब रोटेशन में ट्रेनी जो है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है या एक जॉब से दूसरे जॉब में सो so, बेसिकली ऐसा क्यों होता है इट हेल्प्स द इम्प्लॉयज़ टू अंडरस्टैंड ऑफ हाउ द फंक्शंस आर कैरीड आउट इन द ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि इम्प्लॉयज़ जो हैं वो पूरे ही डिपार्टमेंट का या पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स का ओवरव्यू ले सकें और ये समझ सकें कि कैसे फंक्शंस कैरीड आउट हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओके वेल आई ऑलरेडी टोल्ड यू देर आर मैनी मोर मैथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग सच एज मैंटरिंग मैथड मेंटरिंग मैथड एज द नेम इंडिकेट दैट इन दिस सीनियर मैनेजर्स टेक द रिस्पांसिबिलिटी टू ग्रूम देयर जूनियर इम्प्लॉयज इन ऑल द आस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वी हैव मोर मैथड सच एज ओरिएंटेशन और इंडक्शन मैथड so as i already told you in my previous videos that induction or orientation it is a process of receiving and welcoming an employee when he first joins the company and giving him the basic information which he needs to settle down quickly and to start their work so there are many more on the job trainings also but now we will quickly move on to our next method of training that is ऑफ़ द जॉब ट्रेनिंग सो एज द नेम इंडिकेट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज़ कंडक्टेड इन अ लोकेशन स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड फॉर ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में ट्रेनिंग जो है एक स्पेशली डेजिग्नेटेड जगह पे की जाती है कि स्पेशली लोकेशन पे की जाती है जो ट्रेनिंग के लिए ही बना होता है या तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास में होती है वर्क प्लेस के पास में होती है या किसी स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में दी जाती है सो नॉर्मली वी से डैट वॉट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दिस मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज बाई टेकिंग दैम अवे फ्रॉम देअर वर्क पोजिशन विच नॉर्मली मीन्स यू आर गिविंग द ब्रेक टू द एम्प्लॉयज़ फ्राम देयर जॉब एंड सेंडिंग दैम टू Train themselves. And this method of training is more suitable for managerial job positions such as conference seminars, which are held to train the managers. And we have many of the job training methods also, such as simulation, vestibule training, case studies, role playing, management games, lectures. As I already told you, that conferences and seminars are also held. To train the managers, and we have many more also. But in this video, I am going to teach you about the main methods of off the job training. So, let's quickly see the methods. So, first is lecture method. As the name indicates, lecture, yes, you are thinking right that it is a normal classroom teaching method. सो लेक्चर मेथड में नॉर्मल जैसे क्लासरूम में आप लोग को पढ़ाया जाता है वैसे ही ट्रेनीज़ को भी पढ़ाया जाता है इसमें वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रेनीज़ को लेक्चर दिया जाता है उनको बताए जाते हैं फंक्शंस जो भी उन्हें परफॉर्म करने हैं एंड इन दिस मेथड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रूल्स प्रोसीजर्स और मेथड्स आर कन्वेड टू द एम्प्लॉयज़ So that it can help them to solve their problems of the organization or do their jobs of the organization. So, audio-visual demonstration or presentations are used to address trainees in the classroom. Now, we have another method of of the job training, of the job method, that is vestibule training. It is one of the most important training. So. प्लीज़ पे अटेंशन है सो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इन दिस अ डमी मॉडल ऑफ़ द मशीनरी इज प्रिपेयर एंड इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग ओरिजिनल मशीनरी एम्प्लॉयज़ आर ट्रेंड ऑन डमी मॉडल्स तो वेस्टिब्यूल स्कूल भी इसको कहते हैं या बोलिए वेस्टिब्यूल स्कूल जो है विच मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में डुप्लीकेट मॉडल्स या डमी मॉडल्स मशीनरी के प्रिपेयर किए जाते हैं और ट्रेनीज को यहाँ पे डमी मॉडल्स यूज़ करने होते हैं ओरिजिनल मशीनरी की जगह पे और जब वो यहाँ पे चीज़ें सीख लेते हैं तब उनको शिफ्ट किया जाता है उनके एक्चुअल मशीन्स पे सो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को हम वेस्टिब्यूल स्कूल भी कहते हैं विच सिंपली मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन दिस टाइप ऑफ Training, a dummy model of machinery is prepared, and employees get training on that dummy models only. And when they acquired all the expertise regarding that particular work, then they shifted to the work on the actual machines at the actual workplace. It is basically done for the expensive and delicate machineries which involved so much of high tech technology now we have another method that is case study method so in this in this method actual experience of an organization is taken or it is presented in front of the trainees so that they can analyze the causes of the problem and they can determine the probable alternative solutions and to find out the best possible solutions from that so case study method mein actual experiences jo bhi organization ke hote hain usme se ek best case study uthate hain aur trainees ko वो case study देते हैं जिससे कि वो analyze कर सकें देख सकें कि क्या उस particular पूरे scenario में problem है और वो लोग डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालते हैं और उसमें से भी जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको ढूंढते हैं नाउ वी हैव अनादर मैथड दैट इज रोल प्ले मैथड सो रोल प्ले हम लोग सिंपली आजकल लाइफ में भी यही करते हैं कि हम लोग एक दूसरे का रोल प्ले करते हैं सो इन दिस मेथड इट इन्वॉल्व एक्शन डूइंग एंड प्रैक्टिस सो ये इस मेथड में आपको एक्शन करना होता है डूइंग करनी होती है प्रैक्टिस करना होता है जो आपका कोई दूसरा एम्प्लॉय होता है उसके लिए सो द ट्रेन इज़ प्ले द करेक्टर ऑफ मैनेजर्स और इंजीनियर्स एक्सेट्रा इट डेवलप्स द इंटरपर्सनल इंट्रेक्शन रिलेशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि रोल प्ले मैथड में आपको दूसरे पर्सनस का करेक्टर प्ले करना होता है जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया यहाँ पे आप और भी लोगों के रोल प्ले करते हैं और ये मेथड सिंपली एम्प्लॉय के इंटरपर्सनल इंट्रैक्शन रिलेशन के लिए किया जाता है ओके वी हैव मैनी मोर मेथड्स सच एज़ सेमिनार आल्सो सच एज कॉन्फ्रेंस मेथड्स आल्सो नाउ वी विल सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो डेट इज डेवलपमेंट बिकॉज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट गोज़ हैंड इन हैंड But as I already told you, training is a narrow concept, and development is a wider concept as compared to training. So let's see what is development. So, in normal words, development refers to overall growth of the employee. Development employees ki overall growth pe focus karta hai. It focuses on personal growth and successful employees' development. And development. इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस विच रिजल्ट इन इंटरनल मोटिवेशन दैट एम्स एट इम्प्रूविंग द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सो डेवलपमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि इम्प्लॉयिज़ के इंटरनल मोटिवेशन को बूस्टअप करता है और ये इंडिविजुअल की टोटल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव और इंक्रीज या आप कह सकते हैं इन्स करता है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डेवलपमेंट इज मच वाइडर इन कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग एज ट्रेनिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट फॉर एग्जाम्पल इफ एन एम्प्लॉय इज सेंट फॉर ओरिएटेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव हिज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्शुअल स्किल्स दैन इट इज़ कॉल्ड एज डेवलपमेंट अगर किसी इम्प्लॉय को अपनी मोटिवेशनल और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भेजा जाता है तो वो डेवलपमेंट होता है सो विद दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू फील एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू योर बुक्स रीड इट फ्रॉम देयर एंड स्टिल यू फील एनी डाउट देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ओके थैंक यू